हेलो फ्रेंड्स, स्टडी द राइट वे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर आप सीख सकते हो पढ़ाई को याद रखने के आसान और फनी तरीके। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के सिटीज का नाम याद रख सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए नाम लिखे है, जैसे बोकारो है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, फिर विजयनगर है, बनपुर है, भिलाई है और विशाखापट्टनम है। साथ में ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भद्रावती है, सेलम है और राउरकेला है। तो ये नाम याद रखने का आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम एक स्टोरी बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे? एक सिंपल सी स्टोरी बिल्ड करेंगे और वो स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि एक बकरे को लेकर, बोकारो याद नहीं रखना है दोस्तों, बकरा तो याद रहेगा ना, सिंपल है। एक बकरे को लेकर ना लोग दुर्गा माता के मंदिर जा रहे थे, शायद बलि देना चाहते थे। तभी जमशेद जी टाटा आ गए और वो बोले माता को बलि मत देना। और उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया और उनको वहां पे विजय प्राप्त हुई। तो बकरा बच गया, बकरा बच गया। और तभी बकरे की जो मालकिन थी वो आ गई और इन्होंने उसको पूछा क्या लेके आई हो। तो उसने कहा मैं भी आई हूं और साथ में बन लाई हूं, मैं भी आई हूं और साथ में बन लाई हूं। उसने कहा अच्छा होगा बन लाई हो, इन सबको ये बन खिला दो, नहीं तो तुम्हारे बकरे की दी जाती बलि और उसकी लोग करते सिलाई। क्या करते? भिलाई नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? उसकी लोग करते सिलाई और उसकी चमड़ी का बनता पट्टा। क्या बनता? पट्टा बनता। तो उसने कहा ये तो बात सही है, तो मेरी मदद करो, और एक देवी है जिनका नाम है भद्रावती, तो वहां क्या किया जाए। तो जमशेद जी ने कहा कि सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों, माता को शुद्ध शाकाहारी भोज चढ़ाते हैं, जैसे कि सेब, सेब या फिर केला, कितना आसान है दोस्तों। अब यहां देखिए, फिर से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ फनी लोगों ने ना कुछ ऐसा भी किया था, आप जैसे कुछ स्टूडेंट थे मेरे, उन्होंने एक और ट्रिक या लगा दी कि बोले बीड़ी जलावे, कौन जलावे? तो बीड़ी जलावे बीवी, बट बीवी को थोड़ा सा जोर देने के बाद डबल बी भी बन गया और यहाँ पे बीएसआर बन गया। तो उन्होंने इसका भी कुछ वर्जन बना दिया, बट शुरुआत के जो है ना बहुत आसानी से याद रहेगा उनको, बीडी जलावे बीबीबी यानी बीवी, समझ रहे हो दोस्तों? तो देखते हैं आपको दोनों तरीके से याद रहता है क्या। और ये रिवीजन भी आपने देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो वीडियो को बनाए चालू रखिए, क्योंकि मैं आपको सबसे पहला वर्ड क्या था, माता दुर्गा, इससे आपको याद आया दुर्गापुर, वहां क्या लेके जा रहे थे, बकरा, उससे आपको याद आया बोकारो हरियाणा। अभी तभी कौन आए, जमशेद जी टाटा, जमशेदपुर, और उन्होंने आंदोलन करके क्या हासिल की, विजय। तो हमारा अगला वर्ड है विजय नगर। तभी बकरे की मालकिन आ गई, क्या लेके आ गई, बन, तो बनपुर। और अगर बकरा मर जाता तो उसकी चमड़ी की क्या होती, सिलाई, सिलाई से याद आया भिलाई। हो सकता है वो बकरे की मालकिन भी बोल रही, मैं भी आई हूं और आपके लिए बन लाई हूं, ऐसे भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा हो गया तुम्हारा बकरा बच गया, अच्छा हो गया तुम्हारा बकरा बच गया, अब आगे क्या है इससे, वरना उसकी खाल का लोग बना देते पट्टा। और इससे आपको याद आएगा विशाखापट्टनम। फिर आगे हमने बीएसआर लिखा था दोस्तों, या फिर स्टोरी की स्टोरी चला देते, तो आगे उसने कहा कि और एक देवी है जिसका नाम है भद्रावती देवी और उनको वेज भोग चढ़ाना है। तो वेज के लिए हमने क्या लिखा,
सेब से याद आया हमें सेलम, और दूसरा केला था उससे आपको याद आया राउर केला। अब इसी में जैसे मैंने बोला दूसरा वाला वर्जन याद रखने का वो भी बहुत आसान है, और वो था बीडी जलावे बीवी, और यहां था बी एस आर, तो बी से बना बोकारो, डी से बना दुर्गापुर, जे से बना जमशेदपुर, वी से बना विक्ट्री वाला विजयनगर, फिर बी से पहला वाला वो लेके आई थी बनपुर, बन से याद आया बनपुर, सिलाई टालने के लिए उन्होंने याद रखा भी लाई, और वी से जो पट्टा बना रहा था वो था विशाखापट्टनम, फिर यहाँ पे भी देवी का नाम है तो यह है भद्रावती देवी, तो भद्रावती नाम याद रखना है हमें, और एसआर क्या है एक वेजिटेरियन वाला है, तो ये सेब से हमें से लम याद आएगा, और केले से राउर केला। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से फनी तरीके से स्टोरी बनाकर या फिर एक्रोनिम्स यूज करके आप कोई भी लिस्ट को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको भी लगता है कि ये आपको हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते रहे, हर बार जब मैं अपलोड करता हूं साधारण ता मैं हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करता हूं। आपको अगर किसी खास विषय पे या खास टॉपिक पे मेरी मदद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।